उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में दरगाह आला हजरत के संगठन टीटीएस के मेंबर आसिफ नूरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। टीटीएस और उनके परिवार के लोगों ने आसिफ नूरी की हत्या का आरोप लगाया है। आसिफ की लावारिस लाश एक अस्पताल से मोर्ची भेजी गई थी, जहां घर वालों ने उनकी शिनाख्त की है। उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके बाद इस मामले में तहरीर देने की तैयारी है। शहर के बाकरगंज के रहने वाले 33 साल के आसिफ नूरी टीटीएस के एक्टिव मेंबर थे। उर्से रस्मी और जुलूसों के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे। दरगाह आला हजरत से जुड़े नासिर कुरैसी ने उनकी मां के हवाले से बताया कि 1 अक्टूबर आसिफ के पास किसी का फोन आया और वो कहकर चले गए कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन देर रात तक लौट कर नहीं आए तो उनकी माँ ने अपने दामाद से बात की। रात भर तलाशने के बाद अगले दिन खोजबीन की गई। 2 अक्टूबर को नवादा के एक अस्पताल में एक लावारिस शव की जानकारी मिली। वहां जाकर देखा तो आसिफ के रूप में शव की शिनाख्त हुई। शुरुआती जानकारी के आधार पर कहा जा रहा है कि आसिफ की हत्या जहर देकर की गई है। उनके शरीर पर चोटों के निशान नहीं मिले हैं। आसिफ नूरी के एक भाई पंजाब में काम करते हैं। घटना के बाद वो बरेली आ रहे हैं। दरगाह से जुड़े नासिर कुरैसी ने बताया कि आसिफ को आज ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनकी मां बुजुर्ग हैं, जिन्हें बेटे की मौत की खबर नहीं दी है। भाई के आने के बाद इस मामले में पुलिस को तहरीर दी जाएगी। घटना के बाद उनके परिवार ने आसिफ की किसी से रंजिश की बात से इनकार किया है। हालांकि पुलिस के पास इस मामले में अभी कोई शिकायत नहीं पहुंची है। उधर आसिफ नूरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना से दरगाह आला हजरत से जुड़े तमाम संगठनों की आर से मगफिरत की दुआएं की जा रही हैं और इस मामले में जांच की मांग की जा रही है। ये हैं बाकरगंज। हाँ, तो हमें बहन ने सूचित करा कि वो परसों 3:30 बजे से लापता हैं। कॉल आई थी कि फैजी करके नाम के लड़का को बता रहे हैं, फैजी करके नाम के लड़के की कॉल आई थी। कहाँ से? अब ये नहीं पता कहाँ से, वो हमारी बहन को बेहतर जानते हुए जी। उसके बाद में वो घर से निकले, उसके बाद में कोई पता वता नहीं चला। और कल सब ढूंढ घंटे रहे तो यहाँ पर आके मालूम चला कि मृत्यु लाश मिली है। लबारी कोई मत कहूँ जी, तो अब यहाँ से लाश है। हम कब पता लगा आपको? ये कल शाम। कल शाम को पता लगा। शिनाख्त कब हुई? शाम को हुई। शाम को शिनाख्त हुई। क्या करते थे नूरी? आसिफ नूरी अभी तो काम नहीं कर रहे थे, पहले काम करते थे साइकिल वगैरह का। उम्र 27-28 साल हुई। शादी हो गई जी? शादी नहीं हुई।